गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है पहला बैशाख, दैट इज बंगाली न्यू ईयर। एंड मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा देर हो गया है, मैंने सुबह सुबह व्लॉग चालू नहीं किया था बिकॉज बहुत काम था। एंड आज इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बाल ऐसे कर्ली कर्ली क्यों लग रहे हैं, देन मैं थोड़ी देर पहले शैम्पू करके आई हूँ एंड आई वॉज लाइक डूइंग दिस थिंग टू माई हेयर, इससे थोड़ा सा कर्ली हो जाता है। एंड पता नहीं, मैं बस ट्राई कर रही थी कि एक्चुअली में होता है या नहीं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से मतलब जो हीटलेस कर्लिंग होते हैं ना उनको ट्राई कर रही हूँ। कुछ मेथड्स मैंने ट्राई किया है पहले भी, सो मैं ज़रूर आप लोगों से भी शेयर करूँगी जब मुझे सारा का सारा मेथड्स में से पता चल जाए कि कौन सा सबसे अच्छा है। एंड मैंने अभी तक कोम नहीं किया है, सो अगर कोम करूँगी तो शायद ये चला जाएगा, बट ठीक है, पूरा का पूरा सूखा नहीं है अभी, तो बाद में कोम करते हैं। एंड अ वेरी 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 हैप्पी बंगाली न्यू ईयर टू यू ऑल। अगर आप बंगाली समझते नहीं हो देन कल का व्लॉग तो आपको समझ में आया नहीं होगा, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही आपको बता देती हूँ। सो आज बहुत अच्छा अच्छा खाना बना है मेरे घर में एंड आई वॉज कुकिंग अ लिटल एज वेल, मतलब थोड़ा बहुत मैंने भी कुछ बनाया है एंड मैंने फिल्म किया है उसको। सो मैं ज़रूर आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा रेसिपी का झलक दिखाऊंगी, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। एंड आपको पता है ये जो कार्टन्स है ना, इनको मेरे मॉम ने कल धो दिया था, ठीक है ना, वॉश कर दिया था। सो आज सुबह मैंने इन सबको ठीक ठाक किया, बहुत सारा काम किया, सो कहीं जा नहीं पाई। एंड अभी इतना ज़्यादा धूप है कि मुझे कहीं जाने का मन भी नहीं है। तो आई नो कि शाम को मेरी मॉम डैड एंड मेरी सिस्टर जाएगी कहीं पे, सो आई डोंट नो मैं जाऊंगी या नहीं बिकॉज मूड नहीं है ज़्यादा, बिकॉज आई एम वेरी लेज़ी पर्सन, ठीक है ना। मुझे घर में रहना भी बहुत पसंद है एंड कभी कभी काम मतलब बिना काम के घर में रहना इज़ लाइक ब्लिस, क्योंकि हमेशा जब भी मैं घर में रहती हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सो अगर आपको पता नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ माई न्यू ड्रेस, लाइक न्यू टी शर्ट एंड अ न्यू लाइक लोअर, ठीक है ना, थ्री क्वार्टर, सो केपरी भी बोल सकते हो, क्या बोलते पता नहीं मुझे, ठीक है ना, आई डोंट हैव एनी आइडिया किसको क्या बोलते हैं। एंड कल का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है, आज का दिन भी काफ़ी अच्छा था अभी तक, मतलब खाना बहुत अच्छा हुआ है एटलीस्ट, कुछ भी अगर अच्छा नहीं था तो खाना बहुत अच्छा हुआ है। आपको दिखेगा कि मैं कौन सी खाने की बात कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको भूख भी लग जाएगा इसको देख के। सो अगर आपको भूख लग गया है देन आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इस वीडियो को देख के या देखने के वक्त ही आप देखते देखते भी कुछ खा सकते हो अगर आपका मन हुआ तो। मैं पहले से डिस्क्लेमर आपको दे रही हूँ, ठीक है ना, सो बाद में मुझको मत बताना कि भूख लग गया आपकी वजह से। ओ माई गॉड। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं DSLR से क्यों व्लॉग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास DSLR है, ट्राईपॉड भी है। सो द थिंग इज़, DSLR से मैं ज़रूर व्लॉग कर सकती हूँ बट मैं डेली व्लॉग्स नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। मतलब अगर DSLR से मैं व्लॉग करूँगी ना तो मुझे एटलीस्ट एक दिन, तो मतलब एक पूरा दिन तो उसको एडिट करने में लग जाएगा, क्योंकि DSLR का जो वीडियो होता है ना वो फ़ोन से एडिट नहीं हो पाता है, मतलब मुझे कंप्यूटर से ही एडिट करना पड़ेगा उसको। एंड अगर कंप्यूटर से मैं एडिट करने बैठ गई तो ईजिली एक दिन लग जाएगा उसको एडिट करते करते, बिकॉज आई डो नॉट हैव वेरी नाइस सिस्टम, ठीक है ना। मेरा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही पुराना है एंड बिल्कुल घटिया हो चुका है अभी तक, मुझे बहुत गुस्सा आता है, सो कुछ कर नहीं सकते हैं। आई होप कि कुछ दिन बाद मैं इसको ठीक कराऊंगी या फिर कुछ नया खरीदूंगी, आई डोंट नो, बट नॉट नाउ, लाइक अभी अभी नहीं, कुछ महीनों बाद, एटलीस्ट 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे होपफुली। सो देखते हैं क्या होता है। सो आप प्लीज़ बोलो कि आपको डेली ऐसे वाले व्लॉग्स देखना है या फिर मैं DSLR से व्लॉग करूँ, वो आप चाहते हो। सो आप जो बोलोगे मुझे मैं वही कर सकती हूँ, ठीक है ना, आप जो बोलोगे मैं कर सकती हूँ, नॉट अ बिग डील। सो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे बाल अभी तक भीगे हैं, सूखे नहीं हैं, बट फिर भी गर्मी लग रही है इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। अभी कोलकाता में इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस, आई डोंट नो। सो गाइस बंगाली कैलेंडर में आज से समर स्टार्ट हो रहा है एंड स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा गर्मी,
ओह माय गॉड, इट्स लाइक अनबेरेबल. ठीक है ना, मतलब झेल नहीं सकते इतना ज़्यादा गर्मी आप, यार कौन झेल सकता है. सो आई होप कि मैं भी थोड़ा सा एसी में जाके बैठती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में एसी नहीं है एंड उस रूम में मैं बात नहीं कर पाऊँगी आप लोगों से बिकॉज बहुत सारे लोग हैं. सो मैं उस रूम में जाके थोड़ा सा एसी में बैठ जाती हूँ बिकॉज ओके नहीं हो रहा है. थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियोस देखूंगी. मेरा जो कल वाला व्लॉग है जो कि आज जाने वाला है, मतलब कि पहला बैशाख के दिन, वो उसको एडिट भी करना होगा. सो मैं उसको एडिट भी करूँगी एंड उसका, ओ माय गॉड, उसका आउट्रो मैंने शूट नहीं किया है. सो उसका आउट्रो भी शूट करेंगे हम अभी के अभी. सो चलिए गाइस, बहुत सारा काम है एंड आई होप कि शाम को बहुत कुछ हम करेंगे भी, बहुत मस्ती करेंगे भी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप देखते रहिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आती हूँ. बाय बाय. सो दिस इज़ द वेज पुलाव एंड यस, हमने बहुत ही टेस्टी सा वेज पुलाव खाया था. As you guys can see, and this is the chicken curry. बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं था क्योंकि it was so hot. So अगर आप इसका recipe जानना चाहते हो तो बोल सकते हो. Hi guys, so this is the next day and मैं कल कुछ भी vlog नहीं कर पाई थी because तबीयत बहुत ख़राब हो गया था and ये कोई नई सी बात नहीं है. ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है. आज भी कुछ अच्छा नहीं है बट फिर भी आई हैव टू शूट सम वीडियोस जो कि करना ही पड़ेगा. सो और मुझे लेट होना पसंद नहीं है. ठीक है ना, जिसका मतलब जो भी काम जब करना है मुझे वो करना पसंद है. इसलिए आई डिड सम मेकअप. इसका शूट नहीं किया मैंने वैसे तो, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में जो भी हुआ कर लिया एंड सो लाइक फ्रीकिंग टायर्ड गाइज. आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग बट आई एम टायर्ड ऑलवेज एंड मेरी ना स्टोमैक पेन हो रहा है, आई डोंट नो वाई. कल ये सब नहीं था, कल था कि कल बहुत ही मतलब गले में दर्द था. ठीक है ना, बात नहीं किया जा रहा था मुझसे एंड मतलब हेडेक था, मतलब थोड़ा सा सर्दी होने से जो होता है ना कल वो था. आज उतना ज़्यादा सर्दी नहीं है, थोड़ा बहुत है बट उतना ज़्यादा नहीं है एंड आज अभी अभी स्टोमैक पेन हो रहा है, आई डोंट नो क्यों. मैंने अभी अभी लंच किया है एंड अभी 3 बज रहा है. ठीक है ना, एंड इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस, पूछो मत. आई नो कि मुझे ब्लैक नहीं पहनना चाहिए अभी बट मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक ही अच्छा लगेगा इस मेकअप के साथ. पता नहीं यार क्यों कर लिया ये सब कुछ, थोड़ा सा नॉर्मल सिंपल रखती मेकअप तो कुछ भी पहन लेती उसके साथ चला जाता, बट ये मतलब कुछ भी पहन लूँगी तो नहीं जाएगा शायद. आई हैव टू वेयर समथिंग ब्लैक और वाइट. सो देखती हूँ कि वाइट कुछ मिलता है या नहीं, अगर मिलेगा तो पहन लूँगी. बट क्या है ना, वाइट मैं पहनती हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है, जो बैकड्रॉप है उसके साथ जाता नहीं है बिकॉज मेरा बैकड्रॉप भी काइंड ऑफ वाइटिश है. सो पता नहीं गाइज, मैं भी थोड़ा सा ठंडा पानी पीती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडक मिले मुझे एंड मैं काम कर पाऊँ. मुझे बहुत कुछ करना है. अब देख पाओगे वहाँ पे सारे के सारे मेकअप स्टाफ्स हैं एंड वो जो वहाँ पे बकेट है ना उसमें मैंने कुछ चीज़ें रखे थे, उसको मैंने अभी तक हटाया नहीं है एंड आज मुझे कुछ चीज़ें रिसीव भी हुआ है जो कि वहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, वहाँ पे सो मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर बिकॉज बहुत एक्साइटिंग चीज़ें मुझे रिसीव हुए हैं एंड आज एक्चुअली में बहुत सारा काम ही है, बहुत सारे वीडियोज़ शूट करना है एंड आई एम रियली सॉरी गाइज. मतलब आपने कल कोई व्लॉग नहीं देखा, मतलब मेरे लिए आज है कि आज आप कोई व्लॉग नहीं देख पाओगे. सो आपने कल नहीं देखा होगा कोई भी व्लॉग, आई एम रियली सॉरी बट तबीयत बहुत ख़राब हो गया था गाइज. प्रे फॉर मी, प्लीज़ थोड़ा सा प्रे करो कि तबीयत ठीक रहे एंड मैं बहुत 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 अच्छी अच्छी व्लॉग्स बना पाऊँ आप लोगों के लिए. सो मेकअप लुक अच्छा लग रहा है आपको? मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ही क्विकली किया है. समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. हम लोग जब समर में कोई भी पार्टी वार्टीज में जाए, थोड़ा सा ग्लिटर भी लगाया है मैंने. कैन यू सी, आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा ग्लिटर भी लगाया है एंड तो जो समर पार्टीज होते हैं ना, जो डे टाइम में या मतलब नाइट टाइम में भी आप सिंपल मिनिमल रखना चाहते हो देन आप ऐसा मेकअप कर सकते हो. मैंने कोई भी हाइलाइटर नहीं लगाया, ब्लश नहीं लगाया, बस थोड़ा सा कॉन्टोर किया बिकॉज I like contouring my face if you don't know. And lipstick मैंने एक बहुत ही मतलब ख़ास lipstick लगाया है जो कि बस 50 rupees का है, 50 का.
सो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, डेफिनेटली 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 बहुत ही जल्दी आने वाला है वो वीडियो। एक्चुअली मैंने वो बहुत ही पहले ही शूट किया हुआ है, बट थोड़े बहुत पार्ट्स मुझे मिल नहीं रहा है, सो आई होप कि बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड स्टमक पेन थोड़ा सा कम हो गया है, सो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अभी। एक्चुअली अभी मुझे ग्लैमिगो का शूट करना है अनबॉक्सिंग। एंड प्लीज़ गाइस, ग्लैमिगो का अनबॉक्सिंग देख लेना यार, मुझे बहुत ही लेट से मिला है, आई डोंट नो क्यू, बट देख लेना यार, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि सबने किया है, सबको व्यू मिल चुका है। आई नो कि आपको पता है कि कौन सा चीज़ें मतलब किसको मिलने वाला है, बट आई एम टेलिंग यू, मेरे वाले में एक चीज़ डिफरेंट है। यही सो एक चीज़ डिफरेंट है, ट्रस्ट मी, आपने जो भी देखा होगा उनमें से एक चीज़ मेरे में, ओ माई गॉड, मैं तो यहीं पर लेट गई। सो वो मेरे में एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ग्लैमिगो का जो वीडियो है। आई होप कि आज ही आ जाएगा, और अगर आज नहीं आया है तो कल ज़रूर आ जाएगा, आई विल ट्राई कि आज ही आ जाए। ओके, एंड ग्लैमिगो का वीडियो प्लीज़ देखना, बिल्कुल मत भूलना गाइस, प्लीज़ देख लेना, मेरे लिए देख लेना, इतना तो कर ही सकते हो ना। सो और क्या करना है मुझे, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, मैं बस इसे साफ़ करूँगी। मैंने अभी तक आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, बिकॉज तबीयत इतना ख़राब है गाइस, क्या बताऊँ, बहुत तबीयत ख़राब है, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो मैं ऐसे ऐसे बात नहीं करती हूँ, मेरे में बहुत एनर्जी होता है, बट यार तबीयत ख़राब है यार। सो चलो मैं थोड़ी देर काम वाम करती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी, बाय बाय। सो गाइस, एज यू कैन सी, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, सो अभी मैं थोड़ा सा दही खाऊंगी, खट्टी दही विद अ लॉट ऑफ चीनी। आई नो कि ये अनहेल्दी है, बट ये खाने से आई डोंट नो हाउ सम हाउ मुझे बहुत सारा एनर्जी मिल जाता है, आई डोंट नो इट्स फॉर द शुगर रश और वट एवर, बट मैं थोड़ा सा खट्टी दही खाने वाली हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट वॉकिंग, बिकॉज हमें काम करना पड़ता है, अगर हम ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे देन लाइफ वेस्ट हो जाता है। सो जल्दी जल्दी से हम कर लेंगे, बट पहले मैं खा लेती हूँ, ठीक है ना। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइज, आई एम डन विद वन शूट, मैंने बस ग्लैमिगो का किया है अनबॉक्सिंग, एंड आई एम टायर्ड, आई एम सो टायर्ड गाइज, ये मेरा ना डेली का रूटीन है, मैं बस एक वीडियो शूट करती हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक दिस। इतना ज़्यादा गर्मी है गाइज, मैं आपको बता के समझा नहीं पाऊँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड ये लाइट्स वाइट्स जला के और ज़्यादा गर्म हो जाता है मेरा रूम, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। अभी मुझे इसके कुछ क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, विच इज़ रियली हार्ड बाई द वे, ठीक है ना, बहुत ईजी नहीं होता है वो। सो मुझे कुछ क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, एंड देन और क्या करूँगी यार, और कुछ करने का मन भी नहीं है। ओके, सो फिर मैं, चलो कुछ शीट मास्क के वीडियो इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करूँगी, एंड एक फेस वॉश है उसका भी इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करना है, एंड उसका तो मुझे वैसे भी यूट्यूब के लिए भी शूट करना है, एंड वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब के लिए भी कर लूँ, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो इंस्टाग्राम नहीं करते हो, सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब में भी वो वीडियो डालने वाली हूँ, बट इंस्टाग्राम के वीडियोज़ क्या होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो शूट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट यूट्यूब के वीडियोज़ शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है गाइस। सो ट्राई कि मैं आज दोनों के दोनों शूट कर लूँ, देखते क्या होता है, अभी बहुत टाइम है, 20 मिनट लगा मुझे ये वाला वीडियो शूट करने के लिए, 20 मिनट, मैं इतनी बकवास करती हूँ, मैं इतनी बार रीटेक्स लेती हूँ, कैन यू इमेजिन, 20 मिनट लगा एक 5-6 मिनट का वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है ना, मतलब 4 गुना टाइम लगा, 4 गुना। सो चलो गाइस, Oh my God, फोन ड्रॉप करने वाली थी मैं अभी, कैन यू इमेजिन, मैं भी फ़ोन को ड्रॉप करने वाली थी। सो या गाइस, अभी के लिए इतना ही, मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करूँगी होपफुली, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। और थोड़ा सा बात करने का भी मन हो रहा है यार, हो क्या आप अभी भी देख तो रहे हो ना वीडियो को, बोर तो नहीं हो गए ना,
बोर होके चले मत जाना प्लीज़ यार, कभी कभी हो जाते हैं कि एनर्जी ख़त्म हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा नहीं रह पाता है, बट फिर भी आपको देखना चाहिए क्योंकि आप ही के लिए बनाती हूँ मैं वीडियो। सो प्लीज़ देख लो वीडियो को एंड लाइक भी दे दो एक, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओह माय गॉड, बहुत ही नींद आ रही है गाइस। सो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ ऐसे ही, कुछ मेकअप वेकअप रिमूव नहीं करने वाली हूँ, सोऊंगी नहीं वैसे तो, बट थोड़ा सा लेट ही रहती हूँ, देखते हैं कितना काम कर पाती हूँ। सो बाय बाय गाइस, अभी के लिए बाय बाय, मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करूँगी, बाय। हाय गाइस, सो मेरा जो तबीयत है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैंने बस एक वीडियो शूट किया एंड कुछ नहीं कर पाई फिर। अभी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, सो आई थिंक कि मैं थोड़ा सा शावर लेके आऊँगी, फिर आई शूट टू वीडियोस प्रोबेबली, आई ट्राई टू शूट टू वीडियोस। सो मैं जल्दी से शावर लेके आती हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी है ना गाइस, दो दिन से लाइक आप सोच नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा गर्मी उसके साथ ह्यूमिडिटी, ओ माई गॉड इट्स टू मच। मैं थोड़ा सा शावर लेके फिर आती हूँ, स्किन बिल्कुल ऑयली 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 हो रहा है, स्वेट इज एवरीवेयर एंड तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो मैं जल्दी से शावर लेती हूँ फिर आती हूँ, बाय बाय। हाय गाइस, सो मैं ऑलरेडी शावर लेके आ चुकी हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ एज यू गाइस कैन सी। सो नाउ मैं एक वीडियो भी फिल्म करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ मैं स्किन को थोड़ा सा पैम्पर भी करूँगी बिकॉज मेरा तबीयत ख़राब है एंड आई नीड टू पैम्पर माई स्किन। सो आई थिंक कि मैं एक शीट मास्क वाला वीडियो फिल्म करूँगी सबसे पहले, फिर देखते हैं कुछ और करती हूँ या नहीं करती हूँ पता नहीं है। सो पहले ये वाला वीडियो मैं शूट करना चाहती हूँ। सो मैं आज मॉन्सब का शीट मास्क यूज़ करने वाली हूँ, मैं उसको यूज़ करके ज़रूर आपको मेरी बताऊँगी कि कैसा लगा मुझे वो यूज़ करके एंड ऑल। सो ठीक है, मैं जल्दी से लेके आती हूँ क्योंकि मैंने वो वाला शीट मास्क फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रख दिया है क्योंकि मुझे ना कोल्ड शीट मास्क ज़्यादा पसंद है। सो मैं फ्रिज से निकालती हूँ एंड देन अप्लाई करती हूँ, वीडियो फिल्म करती हूँ, देन आप लोगों से बातें करती हूँ, बाय बाय। हेलो गाइस, आई हैव अप्लाइड दिस शीट मास्क एंड आई कैन नॉट टॉक बिकॉज इट फिट्स मी लाइक वियर्डली, मुँह में ना घुस जाए सीरम। सो मैं थोड़ी देर इसको लेके रेस्ट करती हूँ एंड देन आई विल टॉक टू यू गाइस, बाय बाय। सो गाइस, एवरीथिंग इज डन एंड नाउ मैं सोने जाने वाली हूँ, सो आई एम ऑल रेडी विथ माई 90। सो मैं भी सोने जाती हूँ एंड सो जाती हूँ बिकॉज आई एम सो टायर्ड एंड तबीयत भी ठीक नहीं है गाइस। आई डोंट नो मैं कल व्लॉग कर पाऊँगी या नहीं, अगर कर पाई तो व्लॉग आप देख लोगे और अगर नहीं कर पाई तो पता नहीं यार, तबीयत ख़राब है, बस प्रे करो मेरे लिए कि तबीयत ठीक हो जाए। और अगर समहाउ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ इसको एक थम्स अप दे देना एंड कमेंट करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, प्यार भरी बातें करना चाहते हो देन कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे थे अभी तक, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ, मैं आपसे मिलती हूँ होपफुली कल विद न्यू वीडियो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।